मंत्री और चमोली जिले के प्रभारी मंत्री आज आपदा के 16 दिन बाद थराली पहुंचे। दरअसल इससे पूर्व 27 जुलाई और 31 जुलाई को भी वित्त मंत्री प्रकाश पंत का थराली दौरा प्रस्तावित था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते दौरा दो बार स्थगित करना पड़ा। लिहाजा वित्त मंत्री प्रकाश पंत आज देहरादून से सड़क मार्ग से होते हुए थराली पहुंचे। थराली पहुंचने पर प्रकाश पंत ने सोल घाटी थराली मोटर मार्ग का भी निरीक्षण कर जायजा लिया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने थराली विकासखंड सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर आपदा ग्रस्त क्षेत्रों की समीक्षा भी की। इस दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ थराली विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली मुन्नी देवी शाह, थराली से ब्लॉक प्रमुख सहित तहसील और जिले के अन्य अधिकारी और आपदा प्रभावित भी मौजूद रहे। आपदा प्रभावितों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत के सम्मुख आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान से मंत्री को रूबरू करवाया। भारी बारिश के चलते सोल घाटी में हुए नुकसान, झलिया गांव के भूस्खलन, देवाल विकास खंड के कूलिंग और बाढ़ गांव में हुए नुकसान पर प्रभारी मंत्री ने आपदा प्रभावितों को आश्वस्त किया कि सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही जिनकी दुकानें, मकान और गाड़ियां बारिश की भेंट चढ़ गई, उन्हें मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इस दायरे से बाहर प्रभावितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने कहा, थराली के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और निर्माणदायी संस्थाओं को जल्द से जल्द निर्माण कार्य संपन्न कराने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं झलिया गांव में हो रहे भूस्खलन पर प्रभारी मंत्री ने गांव के विस्थापन के आदेश दिए हैं। खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश और जिन गांवों में बिजली पानी बारिश के चलते प्रभावित हुए हैं, वहीं जल्दी व्यवस्थाएं सुचारू करने के आदेश प्रशासन को दिए गए हैं। की है कि जितनी भी इस तरह की परिसंपत्तियों को नुकसान हुआ है, जैसे संस्थान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है या वाहन है, जो CRF की गाइडलाइन में नहीं आते हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष से धनराशि देंगे। ये सारे प्रस्ताव हमने ले लिए और शीघ्र ही इसका पैसा। सर, 73 गांव पहले से चमोली में विस्थापन की श्रेणी में है जो चयनित हैं, लेकिन कुलिंग और झलिया गांव एक दो और गांव जुड़े हैं, तो क्या जो 73 गांव पहले से वेटिंग में है या इन दो गांव हैं इनके लिए कुछ मीटिंग? 352 गांव पूरे उत्तराखंड में होने और हम केस बाय केस उनको शीघ्र से शीघ्र करा रहे हैं, क्योंकि सर्वाधिक बड़ा संकट जमीन का होता है, क्योंकि हम उनको पैसे का पैकेज देते हैं, भूमि उनको स्वयं क्रय करनी पड़ती है, ये उसके साथ दिक्कत है और केस बाय केस इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। प्राथमिकता है कि जो गांव स्थापित होने उनको तत्काल विस्थापित। सर, 2013 में जो है आपदा में कई मोटर पुल बह गए थे, जिसमें झूला पुल बह गए थे, वो अभी तक नहीं बन पाए। क्या आपको लगता है कि जो अभी आप कह रहे हैं कि ये जल्दी से हो जाएगा, क्या ये ऐसा हो सकता है ये 6-7 साल बाद भी ना हो जाए? निजाम बदल गया है, जल्दी हो जाएगा। वहीं प्रभारी मंत्री के सम्मुख स्थानीय प्रभावितों ने उप जिलाधिकारी थराली पर आरोप भी लगाया कि थराली के उप जिलाधिकारी रोहित मीना की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रभारी मंत्री के सम्मुख शिकायत करते हुए कहा कि आपदा प्रभावितों के साथ उप जिलाधिकारी का व्यवहार अनुचित है। देवाल के दर्शन दानू ने शिकायत करते हुए कहा कि थराली उप जिलाधिकारी थराली को जब झलिया गाँव के ग्रामीणों की विस्थापन और सुरक्षा के लिए उनके द्वारा फोन किया गया तो उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया जवाब निंदनीय था। थराली के देवाल तिराहे पर आपदा प्रभावितों और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य में तेजी, मुआवजा को लेकर सत्याग्रह कर रहे थराली जागरूकता मंच से भी प्रभारी मंत्री ने मुलाकात की और मंत्री के आश्वासन के बाद सत्याग्रह वापस ले लिया गया। प्रभारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि प्रभावितों को उचित मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा, साथ ही जल्द से जल्द प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य संपन्न करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा नुकसान है, 15 तारीख को यहाँ पर 20 मीटर डैमेज हो गया, 16-17 दिन हो गए, वो 20 मीटर रोड आज तक भी नहीं बन पाई। क्या मतलब बहुत विपरीत परिस्थिति में हमारे विभागों ने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। आज मैंने स्वयं आकर के स्थलीय निरीक्षण किया उन सभी ऐसे परिसंपत्तियों को जो नुकसान हुआ है और उसके संबंध में उचित निर्देश दिए हैं।
तत्काल प्रभाव से कार्य हो सके इस बात के कड़ाई से अनुपालन हो, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। 5 करोड़ रुपया पूर्व में दिया है। मैंने आज कहा है कि जितने भी धनराशि की जरूरत है, जो भी पुलिया टूटी है, जिला पंचायत की सड़कें रास्ते टूटे हैं, वो सब रिस्टोर हो जाए, जल्दी से जल्दी उसमें आवाजाही प्रारंभ हो जाए। लेकिन प्राथमिकता पर हम कच्चे रास्ते बना करके आवाजाही सुनिश्चित करवा रहे हैं। कुछ स्थानों पर वैली ब्रिज, एक जगह एक स्थान पर वैली ब्रिज की बात कही गई है, वैली ब्रिज उनको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वैली ब्रिज बन सके और फिर उस रोड का अलाइनमेंट बदल करके उसको दूसरी जगह से रिस्टोर किया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में तेज गति से काम हो, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, जिस तरीके से जो है कूलिंग है, वाण है, झलिया है, वही देवाल के झलिया गाँव के निवासी ने बताया कि लगातार हो रहे भूस्खलन से पूरा गांव प्रभावित है और खतरे की जद में है, लेकिन प्रशासन की ओर से महज नायाब तहसीलदार और पटवारी की मौके मुआयने के अलावा कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, ना ही विस्थापित अभी तक प्रभावितों को किया गया है। स्थिति बहुत खराब है सर, मैंने कई दिन से न राशन पानी वहाँ पे जो है लोगों को परेशानी, मंदिर तोड़ कर रह रहे हैं चट्टान के ऊपर, बाकी लोग जंगलों में हैं, कोई देखने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी को भी हमने रिक्वेस्ट की तो वो कह रहे हैं व्यवस्था हो रही, 6 महीने से परेशान लोग, मैंने 6 महीने तक तो कोई व्यवस्था नहीं, पर 7 साल आपके यहाँ कोई अधिकारी आया अभी तक? अधिकारी पटवारी जी से अलवा ही ना तहसीलदार पहले आए थे, उनसे अलावा कोई अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि पैदल का रास्ता है, पैदल में जाने में अधिकारी लोगों का पैर नहीं हिल रहा। राशन मिल रहा है? राशन जो है 20 आपदा के 3 दिन पहले आया था, वो भी 10 किलो बड़े परिवार में ही, उसी दौरान कितने परिवार? वही स्थानीय निवासी प्रेम बुटोला ने बताया कि सरकार जिन गांवों के संपर्क मार्ग टूट चुके हैं और आने जाने के विकल्प नहीं बचे हैं, ऐसे गांवों में चावल और गेहूं भेजने को सरकार राहत मान रही है। आए यहां पे एक तो 1 महीने बाद मंत्री जी यहां पे पहुंचे और आपदा में पहुंचने के बाद उन्होंने जनता को आश्वस्त किया हुआ है कि हम जो भी आपदा में जो भी यहाँ पे जो त्रासदी हुई है, उनके जो मार्ग पैदल मार्ग है या किसी की जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति हम जल्द से जल्द करवा देंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? इन वादों से। क्यों? क्योंकि इन जो ये काम होने हैं, ये कम से कम 6-7 महीने पीछे हो जाएंगे। अभी मेन मुद्दा यह है कि जैसे रदगाँव में हुआ, झलिया कुंवारी और वाण में हुआ, वहाँ केवल सब लोगों की एक ही मांग है कि राशन भी वो केवल खाद्यान्न विभाग में चिपट जा रहे हैं कि खाद्यान्न विभाग भेजे। खाद्यान्न विभाग क्या भेजेगा भाई? आटा, चावल और गेहूं भूज के तो लोग खाएंगे नहीं, बिजली क्षेत्रों में है नहीं, घराट सब बह गए हुए हैं। अब आप बताएं रास्तों की दयनीय स्थिति है वहाँ। प्रशासन जिस गति से काम कर रहा है, क्या लगता है कि कितनी जल्दी ये हो पाएगा? ये मेरे को तो लग रहा है 6 महीने से पहले यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाएगा। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट, टीम टीवी न्यूज़ चैनल थराली, उत्तराखंड।